ओवरब्रिज बनाओ संघर्ष समिति सुजानपुर के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज ठाकुर अमित सिंह मंटो से मुलाकात की और सुजानपुर पठानकोट मार्ग पर पड़ते रेलवे फाटक की वजह से आने जाने वाले लोगों को आ रही समस्याओं के हल के लिए कदम उठाने की मांग की और एक मेमोरेंडम मुख्यमंत्री पंजाब के नाम उनको सौंपा। ठाकुर अमित सिंह मंटो ने वहीं आश्वासन दिया कि ये मामला मुख्यमंत्री पंजाब के सामने रखेंगे और जल्द ओवर ब्रिज बनाने की मांग भी करेंगे। अज ओवरब्रिज समिति के जिन्हें भी मैंबर साहबान अज मेरे को आए हैं और इन्होंने जी अपने काफ़ी लंबे समय तो जो अपना संघर्ष जो सुजानपुर रेलवे फाटक के उत्ते जी पूरे शहर की जी समस्या वो ये काफ़ी लंबा संघर्ष चलिया और हूँ देखो आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार है। सो जे ओवरब्रिज की गल करते हैं सुजानपुर की, ये कल्ले मेरे या तुहाडे लई नहीं, एक छोटे बच्चे जिहड़े डेली स्कूल जाते हैं जिहड़े साडे एम्पलॉईज सुजानपुर शहर तो अप डाउन करते हैं, ये उन्होंने डेली की जरूरत है और खास करके जो साडे स्कूली छोटे छोटे बच्चे है आटो के मैटाडोर के जो जन्दे है वो किसी भी प्रकार की जो बरसात के कोई पानी इकट्ठा होंदा कोई उन्होंने कोई आपदा ना वापरे, सो इस करके ओवरब्रिज की जी रिक्वायरमेंट है बहुत ही जरूरी है। और मैं भी चाहना भी सुजानपुर शहर वास्ते एक बहुत बड़ा तोहफा होगा और अज जो भी मैनू ये रिलेटिड इन्होंने एक मेमोरेंडम दिता और मैं सीएम साहब नूं बिल्कुल बरीकी दे नाल असीं समझावांगे दसांगे भी साडे सुजानपुर शहर वास्ते बहुत ही जरूरी है। सो मान साहब कभी कभी भी ये जिहड़े इदां दे काम है उन्होंने कदे ना नहीं करते और मैं आश्वासन दिना सारे जिन्हें साडे समिति दे जिहड़े ओवरब्रिज मैंबर साहिबान इत्थे बैठे है इन्हां दा जिहड़ा इह संघर्ष है बड़ी जल्दी एक वधिया सुजानपुर शहर वास्ते तुहाडा रिजल्ट आएगा और मैं जिन्हें भी समिति दे जिन्हें भी साडे मैंबर साहिबान है इन्हां दा बहुत धन्नवादी हां भी जिन्हां ने एड्डा लंबा संघर्ष ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੀਰ ਸਵਾਰੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਔਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਅੱਜ ਹੇਠ हलका इंचार्ज श्री अमित सिंह मंटू नूं अज अहीं मिले आ और इही आपां मंग रखी है कि जिहड़ा पिछले सुजानपुर काफी लंबे समय तो संताप झेल रहा जिहड़ा फ्लाईओवर दा उहनूं जिहड़ा कंप्लीट करके लोकां नूं समर्पित किया जाए और मंटू जी ने आश्वासन दिता कि मैं इहनूं क्लीयर करके बड़ी जल्द जिहड़ा सरकार कोलों इहदी लै के सारियां फॉर्मैलिटियां जो भी होणगियां करवा के तुहानूं दवांगा और मेरे वल्लों जिहड़ा इहनां ने कहा भी सानूं आश्वासन दिता भी इह गिफ्ट होएगा सुजानपुर नूं ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਮਿਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ कि साडा जदों संघर्ष जिहड़ा चलिया दा सी उस दौरान इन्होंने साडी बड़ी हौसला अफजाई कीती सी और पर्सनली उत्थे आ के ते इहदा उन्होंने जायजा लिया सी और उदों भी इन्होंने आश्वासन दिता सी कि असीं वध तों वध इहदी मदद करांगे। अज उन्होंने फिर एक बारी इहदे बारे दे विच ध्यान च लिआंदा उन्हां दे ध्यान च लिआंदा और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी तों जल्दी इहदे लई जो लोड़ींदी कारवाई होएगी इह सरकार वल्लों जो रहिंदा उह सारा असीं पूरा करावांगे और असी सारे संघर्ष समिति वालों इन्हां दे धन्नवादी हां कि इन्हां ने असी समझने हां कि एक जड़ा एक बहुत जरूरी अहम काम जड़ा हैगा बिजनेसमैन वालियां वास्ते मजदूरां वास्ते और उस इलाके दे लोकां वास्ते जड़ा एक मुश्किल बहुत वड्डी हैगी अज दे समें दे विच उस नूं पूरा करन लई सानूं सारिआं नूं आश्वासन दित्ता असी सारे इन्हां दे तहि दिल तों धन्नवादी हां। Thank you.